हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंस पेपर थ्री की। 2017 के लाइफ साइंस पेपर थ्री का हम इसमें क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पेपर ये पेपर जो उस टाइम 2.5 आवर्स का लिया जाता था, मैक्सिमम मार्क्स 150 रहते थे और 75 क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए थे। और ये प्योरली लाइफ साइंस पे लाइफ साइंसिस के ही क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे गए थे। तो 2017 का पेपर पैटर्न आपने ध्यान रखना है कि ये थोड़ा डिफरेंट था कंपेरेटिव टू जो अब का पेपर पैटर्न है, वो 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर से मैच करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है पेपर थ्री का, ड्यूरिंग अमोनिया एसिमिलेशन इन मेजोरिटी ऑफ लेग्यूम्स एक्सपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नोड्यूल टू द अनइंफेक्टिव सेल्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ। अमोनिया एसिमिलेशन जब होती है, जब हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम हमारे पास जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं तो अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया को एसिमिलेशन किया जाता है। अमोनिया के एसिमिलेशन के टाइम में मेजोरिटी ऑफ लेग्यूल्स नोड्यूल टू द अनइंफेक्टिव सेल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ। तो अमोनिया के एसिमिलेशन किस फॉर्म में होती है, तो मेनली जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है वो एसिमिलेशन टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जनरली एम्ड एट। बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो जनरली किस चीज़ पे एम करते हैं। सो बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम अ डोनर पेरेंट टू अ रिकरेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट के साथ जो है उसको हम क्रॉस करते हैं, सो दैट इज बैक क्रॉस। नेक्स्ट इज अ फ्लैटेंड ऑर्गन राइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज नोन एज फ्लैटेंड ऑर्गन दैट राइज फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे। सो उसको हम कहते हैं क्लैडोड। जो फ्लैटेंड ऑर्गन अराइज हो रहा है स्टेम से उसको हम कहेंगे क्लैडोड। यहाँ पे हम फाइलोक्लैड क्यों नहीं बोल रहे हैं, दो टर्म्स हैं फाइलोक्लैड और क्लैडोड, इसमें आप जो डिफरेंस है वो आप देखना। जब क्लैडोड और फाइलोक्लैड की बात हो रही है सो हमारे पास और फाइलोक्लैड की बात हमारे पास हो रही है, सो क्लैडोड जो होता है वो स्टेम से फॉर्म होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। लेकिन फाइलोक्लैड जो होता है पूरी की पूरी ब्रांच जो होती है वो जब एक फ्लैटेंड ऑर्गन की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यहाँ पे फाइलो वर्ड भी यूज किया गया है। फाइलो वर्ड जो यूज होता है दैट इज फॉर लीव्स, जो ब्रांच कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से स्टेम में, और जो लीव्स होते हैं वो हमारे इस तरह से हमारे स्पाइंस की फॉर्मेशन करते हैं, लीव स्पाइंस की फॉर्म करते हैं और ये जो होती है हमारे पास स्टेम फॉर्म करते हैं, सो दैट इज फाइलोक्लेड। लेकिन यहाँ पे फ्लैटेंड ऑर्गन राइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट पूछा गया, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है हमारे पास क्लैडोड होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एंजाइम दैट कैन बी यूज फॉर लेबलिंग डीएनए यूजिंग निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन को यूज करके जो एंजाइम यूज किया जाता है लेबलिंग डीएनए को लेबल करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी ट्यूमर बायो मॉलिक्यूलर प्रेजेंट इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स। रेड वाइन और रेड ग्रेप्स में जो एंटी ट्यूमर बायोमोलिकुलर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रेजवेरेट्रोल। रेजवेरेट्रोल प्रेजेंट होता है रेड वाइन और रेड ग्रेप्स में। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट प्रेजेंट इन बी ट्यूब्यूल में पूछा गया है नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट। नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट बी ट्यूब्यूल में रहेंगे हमारे पास 10 ट्यूब्यूल। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट यूज एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। इन प्लांट में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो है बायोफ्यूल के लिए यूज करते हैं। मेनली जो यूफोरबिया को बिलोंग करते हैं, यूफोरबियासी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास बायोफ्यूल रहते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पॉपुलस जेट्रोफा एंड पोंगेमिया रहेगा। सो यहाँ पे टर्मिनेलिया चेव्यूला हो हार्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास बायोफ्यूल की तरह यूज नहीं होता है, तो टर्मिनेलिया यहाँ पे एग्जाम्पल था। आजादी रखता हमें पता है कि दैट इज नीम। नीम भी हमारा जो है बायोफ्यूल की तरह यूज नहीं होता। हम एक को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे तो हम इसको इरेडिकेट करके इसका आंसर दे सकते थे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विचेबल डाइज फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड स्टार्च ग्रेन। इसको थोड़ा मतलब इस तरह से ध्यान में रखना आपकी प्रोटीन के लिए कौन सी, लिपिड के लिए कौन सी, स्टार्च ग्रेन के लिए कौन सी, और ये डाइज जो है याद रखना हमेशा। प्रोटीन्स के लिए हमेशा यूज होते हैं कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू। प्रोटीन्स के लिए ब्रिलियंट ब्लू कौन सी, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू। लिपिड्स के लिए सुडान फ्री एंड स्टार्च ग्रेन्स के लिए पोटाशियम आयोडाइड। ये डाइज याद रखना क्योंकि कई बार डाइज के ऊपर जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट इज अ जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेज ऑफ ऑप्टिकल सेक्शंस कैन बी ऑप्टेंड बाई। जेड स्टेक्ड कंपोजिट इमेज जो है हमें कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से ऑप्टेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजी टेस्ट मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट रिकॉर्डिंग इन असेंडेड ऑर्डर एज फॉलो। असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किए गए हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मीन मीडियन एंड मोड
एन एरर इज डिस्कवर्ड, वन ऑफ द 27 एंट्रीज इज एक्चुअली अ 39. द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच विल चेंज द फॉलोइंग करेक्शन ऑफ दिस एरर. अब इनमें से 27 जो बताए गए हैं, इनमें से कोई एक भी 39 अगर है, दोनों मीन और मोड जो है वो चेंज हो जाएंगे. मोड जो हमारे पास होता है वो जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है. तो हमारे पास यहाँ पे अभी तक जो है हमारे पास टर्म 27 रहती, लेकिन जैसे ही ये भी अगर 39 होगा तो हमारे पास जो है पूरी की पूरी मोड भी चेंज हो जाएगा और हमारे पास मीन तो चेंज होगा ही. सो मीन एंड मोड जो है यहाँ पे चेंज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैक्टेट फर्मेंटेशन एल्कोहल फर्मेंटेशन में. लैक्टेट के अंदर पाइरुवेट लास्ट जो एक्सेप्टर होता है और एल्कोहल के अंदर एसिटाल्डिहाइड जो होता है लास्ट एक्सेप्टर होता है. तो ये हमारे पास जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हो रही है उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है उससे ये क्वेश्चन पुट किया गया है. नेक्स्ट इज नोड फैक्टर्स. नोड फैक्टर्स हमें पता है कहाँ पे काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर. नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनके पास जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, नोड फैक्टर्स वो जो होते हैं केमिकली लाइपोचिटिन ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं. सो इसका आंसर होगा ए, लाइपोचिटिन ओलिगोसैक्राइड्स. नेक्स्ट है सुक्रोज इज अ प्रेफर्ड मॉलिक्यूल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटो एसिमिलेट्स. सुक्रोज जो है प्रेफर्ड मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि एक रीजन इसका ये भी रहता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन दिस इज बिकॉज इट इज रिलेटिवली हाई फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस की हाई फ्री एनर्जी होती है, इसी वजह से ट्रांसलोकेशन के लिए मेनली सुक्रोज को प्रेफर किया जाता है. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट दैट इट इज लेसर स्टेबिलिटी. लेसर नहीं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो उसके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. नॉन रिड्यूसिंग उसको कोई रिड्यूस नहीं कर पाएगा. दैट्स इज वन ऑफ अनदर रीजन कि वो मॉलिक्यूल प्रेफर्ड किया जाता है ट्रांसलोकेशन के लिए. दिस इज ड्यूरिंग द फ्लोइंग जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उस टाइम का एक क्वेश्चन, उस प्रोसेस का एक क्वेश्चन जो है वो पुट किया गया है. नेक्स्ट इज फेलिंग रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर. अ पॉजिटिव रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर डाइऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स विल नॉट गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन. ये बोल रहे हैं फेलिंग रिएक्शन में कौन सा पॉजिटिव नहीं देगा. सो रिड्यूसिंग सुगर जब पॉजिटिव दे रही है तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं देगी. नेक्स्ट इज द टू एलील ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म सेग्रीगेटेड. टू एलील जो होते हैं किस टाइम सेग्रीगेट होते हैं. सो एनाफेज वन में जो है, एनाफेज वन ऑफ मियोसिस की बात हो रही है, टू एलील ऑफ जीन सेग्रीगेट करेंगे क्योंकि एनाफेज वन के टाइम ही जो है हमारा जो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है तो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. सो एनाफेज वन ऑफ मियोसिस जो है इसका आंसर रहेगा टू एलील ऑफ जीन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का हमारे पास पूछा गया है, तो हमारे पास पूछा गया है कि कब जो है वो सेग्रीगेट होता है. तो एनाफेज वन के बाद ही जो है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि दूसरी जो प्रोसेस होती है वो सिमिलर टू माइटोसिस रहती है. तो उसमें तो सिर्फ एन जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं. सो जो टू एलील की सेग्रीगेशन है वो एनाफेज वन के टाइम में ही हो जाती है. नेक्स्ट इज अज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ अ प्लांट इज 2C. हमसे बोला गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर की जो मदर सेल्स हैं, मदर सेल कैसी होंगी, ऑब्वियसली डिप्लॉइड होंगी. तो उनके पास अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है सो बट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल ऑफ डायड्स एंड टेट्राड्स. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास अगर डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए इन माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी अगर उसके पास 2C है सो डीएनए इन ईच सेल ऑफ डायड एंड टेट्राड. डायड जब फॉर्मेशन होगी और टेट्राड की जब फॉर्मेशन होगी हमारे पास तो उस केस में जो है अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा. तो जब अमाउंट ऑफ डीएनए की बात आती है सो अमाउंट ऑफ डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा. हमारे पास 2C 2N डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. जब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिवाइड करेगी तो हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन करेगी और जो हमारे पास 2C अमाउंट है वो अमाउंट भी हमारा जो है वो पर्टिकुलरली डिवाइड हो जाएगा. सो दैट्स विल बिकम 1C. और इसके बाद जो है अमाउंट ऑफ डीएनए डायड हो या फिर टेट्राड हो दोनों के अंदर जो है वो 1C ही रहेगा. नेक्स्ट इज द बल्क ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन इन सेल्स आर कैरिड आउट इन प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. बल्क्स ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पे कैरिड आउट होता है. दिस इज कैरिड आउट इन गोल्जी बॉडी में जो होता है बल्क ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन कैरिड आउट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट इज एग्जामिनिंग अ डिजीज ऑन मेज लीफ. सी नोट्स द प्रेजेंस ऑफ फंगस. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शोड प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइल हाइट पे विथ क्लैंप कनेक्शन. तो हमें यहीं से आइडेंटिफाई करना है कि सीन फर्स दैट द मेज हैज फंगल डिजीज कॉज्ड बाय. अब हमें बताओ कि स्टराइल हाइट पे, हमें ये आइडिया है कि स्टराइल हाइट पे क्लैंप कनेक्शन
किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन सी फंगस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है बेसिक जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम बोलते हैं, दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लफ फंजाई हमारी होती है जिनके अंदर हमारे मशरूम आते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये। उसके अंदर क्लैम्प कनेक्शन होते हैं, स्ट्रेलाइट होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी अ बेसिडियोमाइसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मीडियन निकालना है इस सैंपल डाटा का। तो इसका हम लोग जो है मीन मोड मीडियन आपको आइडिया होगा। सो मीडियन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मीडियन निकलेगा, यहाँ पे जब इसको अरेंज कर देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जो बीच में टर्म आएगी वो 8 होगी। दिस इज द मीडियन ऑफ द सैंपल डाटा। नेक्स्ट इज चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट जनरली हैव मेम्ब्रेन्स विद हाई कंटेंट ऑफ। चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट्स के पास है मेम्ब्रेन्स विद हाई कंटेंट ऑफ। तो चिलिंग रेजिस्टेंट प्लांट जो थे उनके पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है हमारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस स्मॉल सुगर्स सच एज सुक्रोज आर कन्वर्टेड टू रेफिनोज एंड अदर लार्जर ओलिगोसैकेराइड बिफोर लोडिंग इन फ्लूइड मेजर साइट ऑफ रेफिनोज सिंथेसिस आर। यहाँ पे बोला गया पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो शुगर्स हैं जैसे कि सुक्रोज और रेफिनोज और दूसरे ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगी बिफोर लोडिंग इन फ्लूइड। सो वो मेजर साइट कौन सी है रेफिनोसिंथेसिस की। सो वो प्रश्न हमारी जो मेजर साइट रहेगी रेफिनोसिंथेसिस की दैट वुड बी इंटरमीडियरी सेल्स जो है हमारे मेजर साइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये हमारी फ्लोइम लोडिंग से जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम बायोटाइप। बायोटाइप से किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कॉटन बॉलवॉर्म को जो है हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं बायोटाइप से। नेक्स्ट इज इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन प्लांट विच इज नॉट रिजल्टेड बाई एक्टिव रिकॉग्निशन सिस्टम इज टर्म। इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन प्लांट्स दैट इज नॉट रिजल्टेड बाई एक्टिव रिकॉग्निशन सिस्टम उसको हम कहते हैं इनकॉन्ग्रिटी, उसको हम टर्म करेंगे इनकॉन्ग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ लीव्स इन मिमोसा पुटिका। मिमोसा पुटिका के अंदर पूछा गया है दैट इज जिसको छुई मुई प्लांट बोलते हैं टच मी नॉट, टच करने के टाइम पे मूवमेंट ऑफ लीव्स किस वजह से होती है। सो दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड एज इन मोटर सेल ऑफ पल्बिनस। पल्बिनस जो होता है उसके मोटर सेल्स में मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन की मूवमेंट की वजह से जो है वो हमारी टच मी नॉट प्लांट में मूवमेंट होती है लीव्स के अंदर। नेक्स्ट इज प्लांट डिसिपेट एक्सेस एक्साइटेशन एनर्जी एज द हीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द फोटोसिंथेटिक एपरेटस। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज हीट। अगर मतलब एक्साइटेशन एनर्जी प्लांट डिसिपेट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉन फोटो केमिकल क्विंचिंग। नॉन फोटो केमिकल क्विंचिंग में हीट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है एक्सिपेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेनी एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एपोमिक्टिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाई लुकिंग फॉर। प्रोजेनी एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एपोमिक्टिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस जिसको हम कहते हैं, सो प्रोजेनी एनालिसिस के टाइम में कौन सी प्रोजेनी एनालिसिस को यूज कर सकते हैं हम एपोमिक्टिक मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब्सेंस ऑफ एलीलिन प्रोजीन कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल पेरेंट। ऑब्वियसली क्योंकि एपोमिक्सिस में जो है मिक्सिस नहीं होगी, मिक्सिस का मतलब है कि मेल और फीमेल का जो है वो वहाँ पे हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी और उनका फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर एलील अब्सेंट है बाय द मेल पेरेंट की तरफ से, क्योंकि फीमेल पेरेंट की फॉर्मेशन तो होगी क्योंकि डायरेक्ट जो है वो एग हमारा जो है कन्वर्ट होके एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन हमारे पास मेल पेरेंट जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब्सेंस ऑफ एलील इन प्रोजेनी कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल पेरेंट। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट एंड पोजीशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स कैन बी स्टडीड बाय। सो एक्सटेंट एंड पोजीशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होती है प्लांट्स में दैट कैन बी स्टडीड बाय प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन विद कंस्ट्रक्ट कंटेनिंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। अगर उसके अंदर होंगे तो हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ जीएनोम ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए हम जीएनोम का क्या रोल रहता है। तो इसका रोल जो होता है इंश्योर पोलराइजेशन ऑफ पिन फॉर्म्ड ऑक्सिन ई फ्लक्स कैरियर्स को एंश्योर करना होता है। जो पिन होता है दैट विल वर्क इन द ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें काम करता है और ई फ्लक्स का काम जो है पिन का होता है। सो इसके पोलराइजेशन को इंश्योर करता है जीएनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन बूट ऑफ इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू। रिएक्शन बूट जो होती है वो ग्रेविटी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में फॉर्म होती है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सेल इज इनकरेक्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पूछा गया है. सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से इनकरेक्ट कौन से स्टेटमेंट है, जो आप इन स्टेटमेंट को गो थ्रू करोगे, जो थर्ड स्टेटमेंट है 240 एक्युमुलेट इन सेल सिंस इट इज टेकन अप बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड नॉट सेक्रेटेड बाय द ई फ्लक्स कैरियर, ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिलिपिन पाथवे. ये जो हमारे पास पाथवे की क्वेश्चंस है ये हमारे प्लांट हार्मोन से है. प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, इनकी जो फॉर्मेशन होती है उनके लिए पाथवे होता है, उनसे ये क्वेश्चंस है. सो ऑक्सिलिपिन पाथवे किसकी बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है? सो दिस इज यूज्ड फॉर द जस्मोनिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए होता है. यानी ये प्लांट फिजियोलॉजी के सारे जो है वो क्वेश्चंस है. नेक्स्ट पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड. नॉट जनरेटेड पूछा गया थ्रू व्हाट? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट स्टंट. इसका दूसरा जो नाम है दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हम इसको कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. तो इनमें से कौन सा जो है जनरेटेड नहीं होता है थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे? सो ये जो तीनों चीजें हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट ग्लाइकोलेटिक NADPH, ये फॉर्म होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, ट्रिपल पी जिसको हम कहते हैं, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्ब्रियोसेक इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है एम्ब्रियोसेक से रिलेटेड. तो हमारे पास जो एम्ब्रियोसेक से रिलेटेड है फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहते हैं. सो फर्स्ट इज न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज लोकेटेड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड सिनर्जी टुवर्ड द चैलेंजर. जो कि सिनर्जी हमारी माइक्रोपाइलर होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज सेल वॉल ऑफ द एग सेल इज नॉट एटेन्यूटेड टुवर्ड द चैलेंजर एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज इन स्पीसीज वेयर द एग अपैरेटस इज विदाउट द सिनर्जिस्ट द एग सेल पजेस द फिलीफॉर्म अपैरेटस. दिस इज करेक्ट, क्योंकि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होते हैं हमारे पोलन ट्यूब को एक तरह से गाइड करते हैं कि उनको जो है हमारे मेल गैमेट को कहाँ पे डिपॉजिट करना है. सो एग अपैरेटस के अंदर हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं अगर वहाँ पे सिनर्जी एब्सेंट रहती है तो. सो दिस स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट होगी. नेक्स्ट इज जस्मोनिक एसिड. अगेन दिस इज फ्रॉम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. दिस डिराइव फ्रॉम द लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो डिराइव करता है जस्मोनिक एसिड को भी और इवन सैलिसिलिक एसिड को भी. हमारा जो है लिनोलेनिक एसिड पाथवे जो होता है उसी के थ्रू हम इसको जनरेट करते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल एसोसिएटेड विद प्लांट सेल वॉल इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर है फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल का? सो लिग्निन इसका आंसर होगा, दैट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन ड्यूरिंग सुक्रोज सिंथेसिस इन द साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल इज कैटलाइज्ड बाय. जो फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है सुक्रोज सिंथेसिस के टाइम में, तो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे बोला गया है ग्लाइकोलिसिस के बारे में. सो फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट की टाइम पे होता है, 1,6 बिस फॉस्फेट. नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम रेसिप्रोकल प्रोसेस इज नॉट एस्क्राइब्ड टू. तो प्रोजेनी में जो डिफरेंस होता है वो किस रीजन की वजह से नहीं हो सकता? मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इफेक्ट एपिजेनेटिक्स की वजह से होगा, लेकिन एपिस्टेसिस की वजह से नहीं होगा. एपिस्टेसिस तो सिर्फ मास्क करता है एक एलील जो है, एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को जो है वो मास्क करेगा. नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन ये हमारे पास होती है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मिससेंस म्यूटेशन. मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा? मिससेंस म्यूटेशन में एक कोडोन जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. मिससेंस जैसे कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, लेकिन यहाँ पे मिससेंस हो जाएगी. दैट मीन डिफरेंट अमीनो एसिड एक कोडोन चेंज करके फॉर्म करेगा डिफरेंट अमीनो एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोसाइटोसिस इनिशिएटेड एट स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज एंडोसाइटोसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे होती है? उनको हम कहते हैं क्लैथरिन कोटेड पिट्स. वहाँ पे जो हमारी एंडोसाइटोसिस अक्कर करती है. नेक्स्ट इज ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अक्कर्स इन. सो ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस जो होती है वो हंटिंगटन डिजीज जो हमारा रहता है उसके अंदर जो होती है हमारी ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अक्कर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज अपॉन आयनाइजेशन. आयनाइजेशन के टाइम पॉजिटिव चार्ज कौन सा अमीनो एसिड कैरी करता है? सो हमारा लाइसिन और आर्जिनिन जो होता है वो अमीनो एसिड्स कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज अपॉन आयनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर प्रोन टू बिकम ट्यूमरोजेनिक. ट्यूमेरिजेनिक कैसे बनते हैं सेल्स? सो दीज आर प्रोन टू बिकम ट्यूमरोजेनिक इफ एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम अनयूजुअली हाई हो जाए. अगर टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी अनयूजुअली हाई हो तभी जो है सेल्स जो है वो ट्यूमर की फॉर्मेशन कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस वाई बी आर ग्रीन इज यूजफुल टू रियल इन रियल टाइम पीसीआर. ये जो है हमारे पास एस वाई बी आर ग्रीन क्यों यूज किया जाता है. दिस फ्लोरेसेस ओनली व्हेन बाउंड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एस वाई बी आर ग्रीन जो है एक स्ट्रेन की तरह यूज किया जाता है फ्लोरेसेंस के लिए, और वो तभी फ्लोरेसेंस करेगा जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड होगा. इसलिए जो होती है पीसीआर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है. नेक्स्ट इज मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. लंग्स को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एज बायो कार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड दैट इज टारगेटेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया बायोसिंथेसिस इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांस एमिनेशन टू. तो यहाँ पे भी ट्रांस एमिनेशन पे क्वेश्चन है. नाइट्रोजन फिक्सेशन पे भी मेनली यही चीज होती है, पर यहाँ पे हमसे पूछा गया हाई प्रोटीन मील के बाद नाइट्रोजन जो होती है अमीनो एसिड दैट इज टारगेटेड फॉर यूरिया बायोसिंथेसिस ट्रांस एमिनेशन इज ट्रांसफर्ड बाय ट्रांस एमिनेशन टू अल्फा केटोग्लूटारेट को उसको ट्रांस एमिनेशन की जाती है उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफिकेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन जीनोमिक डीएनए मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ बेयरिंग साइजेस वर ऑब्टेन इंक्लूडिंग वन ऑफ द एक्सपेक्टेड साइज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द प्रोटोकॉल इज मोस्ट लाइकली टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं पीसीआर में. सो अगर हम ये वाला चेंज करेंगे रेजिंग द एनिलिंग टेम्परेचर 52 to 56 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये जो है हमारे पास जो भी हमारे एक्स्ट्रा पीसीआर प्रोडक्ट है उनको जो है वो एलिमिनेट कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. इनमें से फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है, कौन सी कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है वो डीएनए प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक के लिए सही है. इट इज डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज राइट. टू चेन्स आर पैरेलल इन पोलैरिटी, लेकिन ये हमेशा जो होती है एंटी पैरेलल होती है. जब भी हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ते हैं तो एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं एंटी पैरेलल, तो ये कभी भी पैरेलल नहीं होगी इसलिए ये इनकरेक्ट रहेगी. डायमीटर ऑफ हेलिक्स 2.0 नैनोमीटर एंड पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द डिग्री ऑफ रोटेशन फॉर ईच बेस पेयर इज -36 डिग्री, सो दिस इज इनकरेक्ट. तो सर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टाइप 1 डायबिटीज द टारगेट ऑफ ऑटो इम्यून अटैक इज. टाइप 1 जो डायबिटीज होती है ऑटो इम्यून अटैक का टारगेट क्या रहता है, दैट इज बिटर सेल्स इन द आईलेट्स ऑफ लैंग्रेंज में जो आईलेट्स होते हैं वो होते हैं उनके टारगेट टाइप 1 डायबिटीज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ हार्मोन इज नोन टू हैव एंटी इंसुलिन एक्टिविटी बिकॉज इट ग्रोथ हार्मोन की एंटी इंसुलिन एक्टिविटी रहती है क्योंकि दिस सप्रेस द एबिलिटी ऑफ इंसुलिन टू स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरल टिश्यूज. ग्रोथ हार्मोन की एंटी इंसुलिन एक्टिविटी होती है क्योंकि वो इंसुलिन की एबिलिटी को ही सप्रेस कर देता है टू स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन पेरिफेरल टिश्यूज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्पलीफिकेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर. सो हमसे पूछा गया है कि पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्पलीफिकेशन किस में यूज होता है. सो इसका जो मेन मॉलिक्यूलर मार्कर किसके लिए यूज होता है, द एफएलपी एसएसआर और आरईपीटी के लिए. ये जो है हमारे पास पीसीआर बेस्ड जो है वो रहते हैं. बस इतना अगर आपको याद रहेगा कि नॉन पीसीआर बेस्ड कौन से होते हैं, तो जो हमारे पास आरएफएलपी होती है वो हमारे पास हमेशा जो है नॉन पीसीआर रहती है. तो आरएफएलपी इन तीनों ऑप्शंस में, इसलिए तीनों ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट इज एल्विलाई डू नॉट कोलैप्स आफ्टर एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन के बाद एल्विलाई कोलैप्स नहीं होते हैं बिकॉज सर्पल सेल्स जो होते हैं वो सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करते हैं, इस वजह से एल्विलाई जो है वो कोलैप्स नहीं हो पाते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेबीज वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर्स टू सीएनएस विद फैटल रिजल्ट. द एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेबीज वायरस अलॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल इज मेडिएटेड बाय, सो दैट इज रेबिएटेड बाय डाइनिन दैट मूव्स कार्गो टुवर्ड्स सेल बॉडी. इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज क्रिस्टल वायलेट स्टेन इज यूज पर्टिकुलरली. क्रिस्टल वायलेट स्टेन मोस्ट कॉमन स्टेन है, हम लोग ग्राम स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं कि कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और कौन से हमारे पास जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन को यूज करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कैपेसिटेशन इज द पेनल्टीमेट स्टेप इन मेचुरेशन ऑफ मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ एंड इज रिक्वायर्ड टू रेंडर दैम कंपिटेंट टू फर्टिलाइज ऊस साइट.
तो कैपेसिटेशन जो होती है, फॉलोइंग इफेक्ट अकर ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, ये बोला गया है कि दैट इज द अल्टीमेट स्टेप इन मैचुरेशन ऑफ मेमिलियन स्पर्मेटोजोआ। सो कौन से स्टेप जो है वो अकर करते हैं, और उनको हम जो है करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस तरह से वो अकर करेंगे। सो ये जो होते हैं हमारे पास, दिस इन्वॉल्व द, ये हमारे पास सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्टीरोज होगा, देन इंक्रीज परमिएबिलिटी टू कैल्शियम आयन, एंड आफ्टर दैट एनहेंस्ड एक्टिविटी ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। रिमूवल ऑफ कोवेलेंटली बाउंड, ये वाली चीज़ इसमें नहीं होती है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट बेसिक ओलिगोसराइड एच एंटीजन इज द प्रीकर्सर टू ए बी एंटीजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर्स आर ग्लाइकोसिटिकली अटैच टू दिस बेसिक ओलिगोसैकेराइड इन ए एंड बी एंटीजन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, एच पी सेट के अंदर हो, इवन कैडर के अंदर भी, और बहुत सारे एग्जाम जो एच पी के हो या फिर किसी भी सेट या नेट की मैं बात कर रही हूँ। सो ए एंड बी एंटीजन जो थे, ए एंटीजन के पास हमेशा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन रहेगा और बी एंटीजन के पास हमेशा ग्लैक्टोज रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि ग्लाइकोसिडिकली वो किससे, शुगर से अटैच रहते हैं, एनएसटाइल ग्लूकोसामाइन इन ए एंड बी जो होता है वो ग्लैक्टोज से अटैच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल्स फॉर एक्सपल्सन ऑफ फीटस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सो एक्सपल्सन ऑफ फीटस के लिए जो सिग्नल होते हैं, दैट डेवलप फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस से जो है वो सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट रिड्यूस कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म। हमें बताना है कंपटीशन कौन से टाइप में नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, कमर्शियलिज्म होता है पॉजिटिव जीरो, यानी कि एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है, एक को कोई नहीं है। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना। पैरासिटिज्म होता है एक को, एक के ऊपर जो है दूसरा जो है बेनिफिट गेन कर रहा है। प्रेडेशन होता है कि वो प्रेडेटर की तरह काम कर रहा है और उसके पास एक प्रे होगा जिसका वो शिकार कर लेगा। कोर्टशिप एंड मेटिंग होगा, कंपटीशन रिड्यूस करने की बात हो रही है। कोर्टशिप और मेटिंग में ऑब्वियसली कंपटीशन रहेगा कि कौन सा मेटिंग करेगा। सिम्बायोसिस एंड टेरिटोरियलिटी, सिम्बायोसिस तो हम बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा है, लेकिन टेरिटोरियलिटी के केस में रिड्यूस नहीं होगा कंपटीशन। तो सिर्फ कंपेंसलिज्म और माइग्रेशन ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे रिड्यूस होगा कंपटीशन, क्योंकि माइग्रेट हो जाएगी स्पीसीज, जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज थी वहाँ से कहीं और चली जाएगी, सो वहाँ पे जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज वन मूव्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजंस टू टेम्परेट रीजंस। जब कोई भी स्पीसीज की बात हो रही है, एक जो है ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन की तरफ जाएगा, तो क्या होगा। ट्रॉपिकल रीजन कौन से रीजन होते हैं हमारे, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट वगैरह है, जहाँ पे अच्छी खासी डाइवर्सिटी होगी, यानी कि मोर डाइवर्सिटी वाला रीजन। अब टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, टेम्परेट रीजन जहाँ पे हमारे पास रेन नहीं होती है, स्नो वाली कंडीशन रहती है, यानी कि लेस डाइवर्सिटी, ठीक है, लेस डाइवर्सिटी वाली रीजन। तो हम जब इस तरह से मूव करेंगे, ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जब हम मूव करेंगे, सो क्या चीज़ जो है वो अफेक्ट करेगी। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में एक तरह से ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, रेनी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो है सन अच्छा एक्सपोज कर रहा है, सो सारी चीज़ें मोर डाइवर्सिटी होती है। लेकिन टेम्परेट में स्लो होती है, मतलब कम होती है, लेस डाइवर्सिटी होती है, एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, लेस डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमन लीजर्स फाउंड इन डीएनए आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी लाइट। यूवी लाइट को एक्सपोज करके क्या चीज फॉर्म होती है, पिरिमिडिन डाइमर्स की फॉर्मेशन होती है। डीएनए रिपेयर के टाइम में हम पढ़ते हैं, तो पिरिमिडिन डाइमर्स की यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज, गैप जंक्शन चैनल्स आर कंपोज ऑफ, दीज आर कंपोज ऑफ कनेक्शन के जो है ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओविन इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटासियम एटीपीएस अफेक्ट्स द अब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम वेयर। कौन सी जगह से जो है ये ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेगा, ओविन इनहिबिटर से पूछा गया। सो दिस ब्लॉक फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स टू इंटरस्टीशियल स्पेस में। नेक्स्ट इज, मॉस्किटो लावा इन अ पॉन्ड कैन बी प्लेस्ड इन एन इकोलॉजिकल ग्रुप कॉल्ड। मॉस्किटो लावा अगर पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है तो हम उनको क्या कहेंगे, पेरिफाइटा, नेक्टन, बेंथोस, प्लैंकटन, क्या कहेंगे। सो दिस कमंडन प्लैंकटन के अंदर ये आएंगे, क्योंकि वो लार्वा जो है पॉन्ड के अंदर रह रहे हैं, दैट्स वाई दे आर प्लैंकटन। नेक्स्ट इज, इन रिवर्स फेज्ड एचपीएलसी। तो एचपीएलसी में पूछा गया है रिवर्स फेज में क्या चीज होती है। सो यहाँ क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। सो हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज जो होता है, दैट कम्बाइंड विद द पोलर मोबाइल फेज। तो जो हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज हमारा रहता है, वो कंबाइन कर जाता है पोलर मोबाइल फेज के साथ इन रिवर्स्ड एचपीएलसी की कंडीशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आर कॉमनली रेफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल. क्यों कहते हैं हम उनको गुड कोलेस्ट्रॉल HDLC को? बिकॉज दे कैन ट्रांसपोर्ट फैट मॉलिक्यूल फ्रॉम आर्टरी टू लीवर को वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल में गिने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेल न्यूक्लियस कंटेन. सेल न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? DNA, RNA और प्रोटीन. तीनों चीजें सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. सो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेंगे. नेक्स्ट इज कोलेजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल आइडियल फॉर यूज इन बोन्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एंजाइम. द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ नेटिव कोलेजन. सो कोलेजन आपको पता है कि प्रोटीन का पार्ट, प्रोटीन हम इसको बोलते हैं. प्रोटीन कौन सी टाइप की प्रोटीन? तो इसमें कैसी होती है स्ट्रक्चर? ट्रिपिकल हेलिकल अल्फा डोमेन जो होता है कोलेजन को हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट पूछा गया है दैट अकर इन अ वाटर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन के टाइम में एनरिचमेंट ऑफ वाटर, जब यूट्रोफिकेशन होती है तो उस टाइम करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले ऑलिगोट्रोफिक, देन मीजोट्रोफिक एंड एट लास्ट जो है वो यूट्रोफिक होती है. सबसे पहले ऑलिगोट्रोफिक होगी, फिर मीजोट्रोफिक एंड देन यूट्रोफिक कंडीशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड विद ईच ब्रेथ. इंस्पायर और एक्सपायर जो वॉल्यूम ऑफ गैस की क्या होगा, उस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट इज वन पीजी. पीजी मीन्स पिकोग्राम. एक पिकोग्राम जो है कितने के बराबर होता है? सो दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹² ग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं? सो ईकोलाई जो होता है एज बायो इंडिकेटर जो है वो काम करता है वाटर पॉल्यूशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज. ड्राइविंग फोर्स क्या रहती है इकोसिस्टम की? तो ड्राइविंग फोर्स किसी भी इकोसिस्टम को मूव करती है हमारी सोलर एनर्जी. मेन चीज है सोलर एनर्जी. उसी को जो है प्लांट लेंगे, प्लांट तभी प्रोड्यूस कर पाएंगे जब उनके पास सोलर एनर्जी होगी. सो ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम की सोलर एनर्जी ही रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ हैवी चेन जीनोम वन क्रोमोजोम ऑफ बी लिम्फोसाइट दैट शट डाउन द रीअरेंजमेंट ऑन सेकेंड क्रोमोजोम, उसको हम क्या कहते हैं? तो अगर वो शट डाउन कर रहा है रीअरेंजमेंट को सेकंड क्रोमोसोम को, उसको हम कहते हैं एलिलिक एक्सक्लूजन, हम उस चीज को कहते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रोटीन लेड्स टू डीग्रेडेशन. डीग्रेडेशन जो होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में, यूवी यूटिलाइजेशन जो होती है, यूवी यूटिलाइजेशन हमेशा कॉज करती है डीग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. ये याद रखना है, यूवी यूटिलाइजेशन मतलब दिस इज रिलेटेड टू डीग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन एक्स इज ओनली ट्रांसक्राइब व्हेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए इज फॉस्फोराइलेटेड. डाटा ऑन द टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ए एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फॉस्फेटेज स्पेसिफिक फॉर फैक्टर ए आर डिपिक्टेड इन द टेबल बिलो. हमारे पास टेबल दिया ऑफ दीज थ्री टिश्यू जीन एक्स विल बी ट्रांसक्रिप्ट इन. तो जीन एक्स जो है किसमें ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है ये हमसे पूछा गया है. सो जीन एक्स तभी ट्रांसक्रिप्ट होगा व्हेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए इज फॉस्फोराइलेटेड. जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए फॉस्फोराइलेट होगा उसी टाइम जो है वो जीन एक्स ट्रांसक्रिप्ट होगा. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब फॉस्फोराइलेट होगा, तो फॉस्फोराइलेट का मतलब होता है प्रोटीन काइनेज जो होता है फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट का काम करती है हमारा प्रोटीन काइनेज, एडिशन ऑफ फॉस्फेट. और जो हमारे पास प्रोटीन फॉस्फेटेज होता है दैट कॉज द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो जीन एक्स को प्रोड्यूस करेगा. सो जीन एक्स कब होगा प्रोड्यूस? जब वो फॉस्फोराइलेट होगा. फॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा. कौन ऐड कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप? प्रोटीन काइनेज. प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या कर रहा है? रिमूव. जहां पे प्रोटीन फॉस्फेटेज होगा वहां पे कभी जीन एक्स नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे बन सकता है, लेकिन प्रोटीन काइनेज भी तो प्रेजेंट होना चाहिए तभी जो है ये बन पाएगा. सो लीवर के केस में प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट है यानी एडिशन होगी, प्रोटीन फॉस्फेटेज नहीं है यानी रिमूवल नहीं हो पाएगी. लीवर ओनली दिस विल ट्रांसक्रिप्ट द जीन एक्स. इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोस्टेरिक एंजाइम इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है एलोस्टेरिक एंजाइम के रिगार्डिंग. सो एलोस्टेरिक एंजाइम जो है माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स को कभी फॉलो नहीं करते हैं. तो दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द एलोस्टेरिक एंजाइम.
ये हमारे पास थे 75 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट थ्री बोल सकते हैं हम, लाइफ साइंस का पेपर थ्री बोल सकते हैं ऑफ 2017. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 2018 से जो पहले पेपर थे उनका पैटर्न जो है वो डिफरेंट था, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ साइंस तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा लाइफ साइंस, और इवन उसका सिलेबस भी सेम ही है. सो लाइफ साइंस का पेपर आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप बात करो पेपर वन की, तो पेपर वन सिर्फ 19 और 18 की ही है जो हमें बता सकता है कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि उससे पहले पेपर वन जो है कुछ अलग तरह से लिया जाता था, उसका पेपर पैटर्न जो है वो अलग था. तो ये जो है वो लाइफ साइंस का पेपर था 2017 का. सो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इवन कमीशंस के पेपर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं और उसके अलावा कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं, और बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट रिपीट रहते हैं, हमें एक पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आता है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है वो समझ में आता है. तो आप इस तरह से इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं. होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. थैंक यू सो मच.